यार प्यारी जगह देखो, कितना प्यारा लग रहा है, लाइक व्यू है ना यार। मौसम देखो, सर्दी इतनी ज़्यादा है, कान जमते जा रहे हैं मेरे। तो फाइनली हम लोग बस स्टॉप पे आ चुके हैं, बस से पहले इस बार। मरवा अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, क्या जाना आप सबके, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू द चैनल द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो नया दिन का आगाज हो चुका है, आज मैं इस्तांबुल के लिए रवाना होने वाला हूँ। बस अभी अभी उठा हूँ, पैकिंग वगैरह मैं अभी कंप्लीट, ये बैग को फुल पैक शैक करके रखा है यहाँ पे। तो नए दिन का आगाज हो चुका है यार, मैं पहले जाके अभी नाश्ता करता हूँ, नीचे नाश्ते का टाइम होगा, नाश्ता चल के करता हूँ। नाश्ता करने के बाद आके जरा फ्रेश होते हैं और फिर बस लेके रवाना होते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस जानी है, 3 बसें जाती हैं, 100 नंबर की यहाँ पे आएगी। तो 10:40 उसकी टाइमिंग मैंने अभी देख ली थी मोबाइल ऐप पे ही। तो वहाँ से वो बस पकड़ते हैं और फिर एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ से फिर प्लेन पकड़ते हैं। सो या लेट्स गो, चल के नाश्ता करते हैं सबसे पहले। तो सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसल सनी जादी sizin aile herkes iyi mi şu an? İyi, çok şükür ama herkes dışarıda valla, şu anda iyi de değil de valla. Değil mi evde? Niye? Dışarıda valla, dışarıda. Hmm. Yapacak bir şey yok. Korkuyor çocuklar, tramvaya geliyor, korkuyor ya. Aynen, o da doğru. Bakalım. Ya mujhe nashta zyada nahi karna chahiye, phir mujhe vomit aati hai, ulti aati hai. ये सबसे गलत होगा। अगर देखो अभी सेमेस्टर ऑनलाइन हो गया, लेकिन अगर हमारे फाइनल्स एग्जाम यूनिवर्सिटी में हो गए ना, तो सबसे बुरी चीज यही है। जाके जरा फ्रेश होते हैं और फिर हम रवाना होते हैं। ओके फ्राइज यार, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना होते हैं इस्तांबुल के लिए। टाइम हो चुका है 11:40, यहीं पे हो चुके हैं। 11:40 पे बस मेन स्टॉप से रवाना होनी थी, यहाँ पे 5 मिनट में आ जानी और 5 मिनट में भाग के पहुँचना है। सो लेट्स सी, जल्दी करते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। सामान यार तू ये वाला बैग ले जा, ठीक है? ओके जी। तो मैं अपने डिजाइन मार रहा, इतनी सर्दी है बाहर क्या ही कहूँ। तो मैंने कहा कि चलो जैकेट उठा लेता हूँ, ऑटोबस तक जहाँ तक बस तक जा रहे हैं ना, वहाँ तक जैकेट पहन लूंगा, उसके बाद उतार के दे दूंगा, क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पे ज्यादा सर्दी नहीं होगी और पाकिस्तान उतरते ही वहाँ तो सर्दी खत्म ही हो जानी है। तो जल्दी से मैं जैकेट उठा लेता हूँ, सामान नीचे ही रखा हुआ मेरा। जल्दी 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 हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और इन सब की फ्लाइट है, मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं, इन सब की इस्तांबुल की फ्लाइट है। क्योंकि मैंने कहा है ना कि जैसे ही अर्दोगान ने कहा है कि सेमेस्टर ऑनलाइन होने वाला है, तो सब ने अपनी अपनी कंट्रीज की फ्लाइट्स ले ली हैं। ये भी पीछे सारे जा रहे हैं, ये देखो, ये तो मेरे साथ आ रहे हैं ना यहाँ तक छोड़ने। तो यार हम यहाँ पे अभी बस लेने आए हुए थे, लेकिन ये बस हमसे मिस हो गई है और अगली बस 1 घंटे बाद आएगी। बट यहाँ से 10 मिनट के फासले पे एक और स्टॉप है, वहाँ से एक और बस गुजरेगी, तो उस वाली को चल के लेते हैं। बट हम सोच रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं। ये सामान वगैरह है, लेट्स सी, चलते हैं वहाँ पे, लेट्स गो। यार मौसम देखो, सर्दी इतनी ज़्यादा है, कान जमते जा रहे हैं मेरे, बाल जमते जा रहे हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ अभी जैकेट ना ही दूँ, हालांकि मैंने सोचा वैसे जैकेट इनको दे देता हूँ, इस्तांबुल में भी सर्दी वैसे, लेकिन दूसरी जैकेट निकालूंगा बैग के अंदर से। तो फाइनली हम लोग बस स्टॉप पे आ चुके हैं, बस से पहले इस बार। 5 मिनट में बस आने वाली है तकरीबन, 101 नंबर वाली, वो बस लेते हैं और यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट। बाय 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 बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओए आप फंस गए, रुक जाओ। ये उसामा है, उसामा बेचारा अभी मेरा सामान यहाँ पे रखवाने आया था, वो बस वाले ने बस चला दिया दरवाजे बंद करके, तो इसने बटन प्रेस किया, लेकिन उसने मैं अगले स्टॉप पे उतारूंगा, तो ये बेचारा अभी अगले स्टॉप पे आया था, अब यहाँ पे उतरा है। खैर हम अब चलते हैं यहाँ पे, लेट्स गो। ओके जी, तो यार मैं अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, सामान वगैरह रख के बैठे हैं। बट यहाँ पे एयरपोर्ट पे वैसे मुझे लगा था बहुत रश होगा, क्योंकि इन्होंने ना लोकल जो फ्लाइट्स हैं वो फ्री कर दी थी, बट इतना रश नहीं है अभी तक, या मे बी हम जल्दी आ गए थोड़ा सा, इतना भी जल्दी नहीं है, खैर 1 घंटा ही पहले हुआ है, 1.5 घंटा रहता है। पहले से अभी यहाँ पे बोर्डिंग जैसे ही ओपन करते हैं ना, बोर्डिंग कहता हूँ यहाँ पे, चेक इन करने के लिए ओपन करते हैं, यहाँ से चेक इन करवाते हैं, लगेज वगैरह इनको पकड़वाते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इस्तांबुल चल के। दिप्रेम बाशी यार, दिप्रेम यार, किसी लेर के अंदर अफाद, ये इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। अफाद जो इधर ट्रेकी की जो जल्जले की एक एजेंसी है जो उसको कवर करती है, उससे टैकल करती है वो है, तो उनका इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है कि इसके आप डोनेशन वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो। खैर यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे भी ओके फ्राइज यार, फाइनली हम लोग इस्तांबुल आ चुके हैं और इस्तांबुल में वही सीन है यार, पुराने वाला बस में बिठाएंगे। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट नहीं है वैसे, सबिया गोकचैन एयरपोर्ट है, और जिन लोगों को सबिया गोकचैन का नहीं पता, पता है सबिया गोकचैन क्या है? सबिया गोकचैन वॉज लाइक यू नो द डॉटर ऑफ अदातुर्क, तो उसकी बेटी का नाम है, उसकी बेटी के नाम के ऊपर ये एयरपोर्ट बनाया हुआ है।
ओके जी, तो हमने फाइनली बस ले लिया अपने दोस्त मुसद्दिक से पूछ के कि कौन सी बस लें, यहाँ हमें आसपास जाके खाने का वो मिल जाए, यहाँ पे हम बाहर जाके ना एक कैफेज़ वगैरह हूँ वहाँ पर इजीली बैठ सकें। तो उसने कहा कोई भी बस ले लो पीले रंग की। तो हम कोई भी बस लेने के लिए जा रहे थे, तो हमने पहले वाली पीले रंग की कोई भी बस ली, तो हमने कहा कि ये इस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाएगी। फिर हम दूसरी पीली बस पे गए, तो उसने कहा कि नहीं ये नहीं जाएगी, उस वाले स्टॉप से जाएगी। तो हम तीसरे वाले भी हम स्टॉप पे रुके और यहाँ पे जो बस आई इससे पूछा कि क्या ये बस जाएगी लेंज यशा मार्केट पे, तो उसने कहा कि मैं नया ड्राइवर हूँ यहाँ इस्तांबुल में, मुझे नहीं पता। तो खैर हम बस में बैठ गए, हमने कहा कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी, जहाँ भी लेके जाएगी वहीं जाएंगे। सो लेट्स सी। ओके जी, तो यार हम यहाँ पे आ चुके हैं लेंज यशा मार्केट जो मुसद्दिक ने बताया, और अच्छी जगह मतलब अभी तक सही लग रहा है, लग रहा है कि हम ना किसी शहर वाली जगह में आ गए। अच्छा मुझे ना मुझे आज पता चल रहा है कि ये जो सुशी को है ये एक ब्रांड है, क्योंकि अभी कैसरी के अंदर सुशी को के नाम से खुली है शॉप। तो अब ये चीज़ तो गारंटी होगी कि कैसरी में जो चीज़ खुल रही है ना वो पहले इस्तांबुल में और बड़ी सिटीज़ में खुली हुई है, तब जाके वो कैसरी में खुलने वाली है, ये चीज़ हमने कन्फर्म कर ली। खैर यहाँ पर यार चलते हैं कहीं पर, देखते हैं कहाँ पर बैठ कर खाना खाएँ। यार प्यारी जगह है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, लाइक व्यू है ना, ग्रीनरी उधर, वो पानी बरसात, वो लाइटों वाला, प्यारी जगह बनाई हुई है इन्होंने। मैंने जगह अच्छी है, मैं मुसद्दिक को कहूँगा कि जानी सही है, अच्छी जगह बताई है तुमने कि इस जगह चले जाओ, बजाय इसके कि वहीं एयरपोर्ट पे बैठ जाओ, क्योंकि दोस्त ने जाना है ना, इसकी फ़्लाइट है जल्दी, चाय वगैरह पी लेते हैं कहीं बैठ के। तो ये है कौन सी जगह है, ये है फूड एंड बेवरेजेस हुक्काबाज, बहुत प्यारी जगह है यार, सही खर्चे किए हैं लोगों ने यहाँ पे। I will write here fries for you guys. मैं यहाँ पे भी fries लिखता हूँ, साथ में मैं दिल भी बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको ऐसा लगे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डेट पे हूँ, जितने भी देख रहे हो सारे, ठीक है, ये इस तरह वाइब देने के लिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, बस आप लोगों ने फील करना है, ठीक है, कमेंट्स में ऐसे प्यार भरे कमेंट्स करने हैं। ओके फ्राइज यार, फाइनली हम लोग इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, शोर काफ़ी ज़्यादा है, आई डोंट नो आपको मेरी वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, उम्मीद आनी चाहिए। खैर तो यार यहाँ इस्तांबुल आके लगता है जैसे इधर ना लाइफ चल रही है, यहाँ पे ना वो जलजले वाली वाइब इनको इतना ज़्यादा नहीं आई। कैसरी में काफ़ी हद तक दुकानें बंद हो गई थी, लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, जहाँ पे जाओ हर कोई जलजले की बात कर रहा होता, जो भी देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पे देखो ना लाइफ सारी जैसे बहाल है, आप यहाँ से बाहर देखो सारी शॉप्स वगैरह ओपन है, बाहर मार्केट ओपन है, लोग बाहर घूम रहे हैं इधर उधर, यहाँ पे क्योंकि जलजला आया भी नहीं है ना, यहाँ पे इतना अफेक्ट भी नहीं हुए लोग यहाँ पे, तो अच्छी बात है यार कि लाइफ यहाँ पे बहाल है, यहाँ पे इतना टेंशन वगैरह नहीं है। कैसरी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है, अभी मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है कि कैसरी के अंदर अब सारे लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं, मार्केट ओपन होना स्टार्ट हुई है, मैं खुद भी मार्केट गया हुआ था, कटिंग करवाई थी मैंने जाके, तो खैर यार अच्छा है, लाइफ सारी वापस रूटीन पे आ जाए, बाकी अब जो लोग जा चुके हैं जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए और ऐसे किसी हादसे से बचाए, क्योंकि ये पता है ये ना एक साइंटिस्ट ने पेशीन गोही की थी कि ये जलजला आएगा 2019 से, वो एक साइंटिस्ट है, मुझे उसका नाम नहीं पता, आप लोगों को पता होगा जो लोग फॉलो करते हैं उनको सबको पता होगा, तो 2019 से वो बंदा कह रहा है कि इस लाइन पे जलजला आएगा, ये चीज़ें तबाह होंगी, और वैसा ही हुआ है। अब वो साइंटिस्ट पॉपुलर हुआ, वो टर्की का ही है, जियोलॉजिस्ट है, तो वो बंदा अब पॉपुलर हुआ है, उसको तमाम टीवी शोज़ पे बुलाया जा रहा है कि यार किस तरह से आपने ये प्रिडिक्ट किया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कह रहा था कि मेरी प्रिडिक्शन तुमने मानी नहीं है, मैंने बताया था क्या आएगा, और मैं उसने दोबारा प्रिडिक्ट किया, उसने कहा है कि ये जलजला इससे भी ज़्यादा तेज इस्तांबुल में आना है फ्यूचर में एक, तो उसके लिए हमें अभी से स्टेप्स लेने चाहिए, और वो जो स्टेप्स बता रहा था ना उनमें वो यही कह रहा था कि यार हमें ना अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, जो हमारा ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में बनाना चाहिए, बता रहा था कि इस तरह से जैसे जापान में जल जाते हैं तो उन्होंने किस तरह से मॉडिफाई कर लिया खुद को, तो हमें भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस तरफ मॉडिफाई हो जाना चाहिए। खैर वो तो अलग बातें हैं यार, आप लोगों को भी पता होगा। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है, ये था हमारा आज का दिन, मैं अब इस्तांबुल आ चुका हूँ, कल देखते हैं कि क्या होता है, और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, है जो लाल बटन है इसको दबा लो, क्योंकि हम लोग डेली व्लॉगिंग साथ साथ इकट्ठे करेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार डेली व्लॉगिंग करूँ, पिछले 5 दिन से 6 दिन से मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और डेली व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वो 5-6 देखे हुए ना तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देख रहे हो तो मेरा भी दिल कर रहा है ना बनाने का, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा था, कि इसको हम आगे बरकरार रखें। सो या
See you guys in the next video. Allah Hafiz. बारह तो आ जाए क्या हो गया सॉरी।